नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड राज्य में 3838 नए कोरोना संक्रमण मिले। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 25,619 हो गई। इधर राज्य में शनिवार को 30 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इनमें पूर्वी सिंहभूम में 6, रांची में 5, बोकारो में 4, खूंटी रामगढ़ साहिबगंज पश्चिमी सिंहभूम में 2, गढ़वा गोड्डा कोटरमा लातेहार पलामू धनबाद व दुमका में 1-1 मरीज की मौत हुई। राहत की बात तो यह है कि राज्य में 24 घंटे के भीतर 1234 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। किस जिले में कितने संक्रमित मिले हैं आइए जानते हैं। बोकारो में 136, चतरा में 38, देवघर में 103, धनबाद में 180, दुमका में 51, पूर्वी सिंहभूम में 521, गढ़वा में 91, गिरिडीह में 54, गोड्डा में 56, गुमला में 99, हजारीबाग में 160, जामताड़ा में 21, खुट्टी में 127, कोडरमा में 193, लातेहार में 76, लोहरदगा में 74, पाकुड़ में 16, पलामू में 54, रामगढ़ में 121, रांची में 1410, साहिबगंज में 65, सरायकेला से 31, पश्चिमी सिंहभूम में 119 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं भारत भर की बात करें तो कुल संक्रमितों का आंकड़ 1,47,82,000 के पार पहुंच गया। इनमें से 1,28,00,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 1,77,168 लोगों की अब तक में मौत भी हो चुकी है। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 17,95,278 पर पहुंच गया। वहीं शनिवार को पहली बार एक दिन में 2,50,000 से ज्यादा नए मामले पाए गए और करीब 1,500 लोगों की मौत भी हुई। झारखंड में लॉकडाउन को लेकर जेएमएम और बीजेपी की हां, कांग्रेस ने कहा ना, सीएम हेमंत लेंगे अब अहम फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर मुख्यमंत्री के स्तर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वर्तमान हालात को चिंताजनक बताया और राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। हालांकि बैठक में लॉकडाउन को लेकर राजनीतिक दलों के मत अलग अलग दिखे। सत्ताधारी झामुमो ने पूरी लॉकडाउन की बात कही तो सहयोगी कांग्रेस ने सोशल लॉकडाउन की वकालत की। भाजपा आंशिक लॉकडाउन तो वाम दल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में ही नहीं दिखे। अब रहा बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब क्या फैसला लेते हैं, अब सबकी निगाहें सोरेन सरकार पर है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि देश के कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगा चुका है। अब देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार क्या करने वाले हैं। झारखंड में राजभवन तक पहुंचा कोरोना, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुए कोरोना संक्रमित, मेडिका में कराया गया एडमिट, फिलहाल कोई परेशानी नहीं। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई है, उन्हें मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। राजभवन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है, एहतियात के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगी आपात मदद, बेकाबू कोरोना संकट में करें सहायता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मदद का आग्रह किया। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि झारखंड में प्रतिनियुक्त सेना और अर्धसैनिक बलों के डॉक्टरों और पारामेडिकल कर्मियों से मदद दिलाई जाए। हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर मदद दरकार है। अगर आप बिना मास्क के ट्रेन पर सफर करते हैं तो पकड़े जाने पर 5 रुपया देना होगा जुर्माना। रेलवे ने स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होगी, ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माना का भी प्रावधान है। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, ट्रेन के अंदर भी बगैर मास्क पकड़े गए तो 5 रुपया जुर्माना चुकाना होगा। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे समेत सभी रेल जोन को आदेश पत्र जारी कर दिया। रेलवे की यह व्यवस्था अगले 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर उधर इधर थूकने पर भी 5 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित, 1 जून को समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा अब निर्णय। विद्यार्थियों को 15 दिन पहले दी जाएगी जानकारी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 4 मई से होने वाली थी यह परीक्षा। CBSE और ICSE के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को स्थगित कर दी है।
जैक की तरफ से सभी स्कूल कॉलेजों को इस संबंध में जानकारी भी दे दी गई है। जैक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। 1 जून को परीक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की जाएगी, उसमें परीक्षा की नई तिथि से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। परीक्षा की नई तिथि से 15 दिन पहले परीक्षार्थियों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। जैक सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल किसी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का मेडिकल किट पहुंचाएगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मेडिकल किट में सभी आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीमीटर व मास्क आदि सभी उपयोगी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिया गया है। झारखंड सरकार का ऐलान है कि ट्रेड पारा मेडिकल स्टाफ की कॉन्ट्रैक्ट पर होगी नियुक्ति। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि आवश्यकता अनुसार अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य के वैसे प्रशिक्षित युवक युवतियों जिन्होंने पारा मेडिकल कोर्स किया हो उसे सुविधा के आधार पर नियुक्त करें। झारखंड के मधुपुर में कोविड गाइडलाइन के साथ हुई वोटिंग, 5 बजे तक 76.61% हुआ मतदान, 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। मधुपुर उपचुनाव को लेकर शनिवार को मतदान संपन्न हो गया। 487 बूथों पर कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए वोटिंग कराई गई। 5 बजे तक 76.61% वोटिंग हुई। इसके साथ ही उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें से भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों को छोड़कर से सभी निर्दलीय हैं। अब 2 मई को नतीजे का इंतजार है। झारखंड के विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स देने की मांग। इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि झारखंड बोर्ड मैट्रिक 10वीं की परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए और बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाए। वहीं अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर्स से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका दिया जाए। साथ ही इंटर यानी कि 12वीं की परीक्षा को भी तत्काल स्थगित कर दिया जाए। कोरोना के हालात को देखते हुए यह फैसला लेने की मांग की है। जैक बोर्ड के लिए जून में जारी होगी नई डेट। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना महामारी की वजह से CBSE और ICSE बोर्ड ने 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है, जबकि 12वीं के लिए नई तारीख की घोषणा की जाएगी। इसी क्रम में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तीनों संकाय की परीक्षा 4 मई से निर्धारित की गई थी। यह परीक्षाएं 21 मई तक चली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया है। अब झारखंड बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अब 1 जून को फैसला लेगा। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर बंगाल पहुंचे इरफान अंसारी। शनिवार को डॉक्टर अंसारी पश्चिम बंगाल के रूप नारायण स्थित बंगाल ऑक्सीजन एंड कंपनी पहुंचे। मौके पर उन्होंने कंपनी के मालिक वसीम खान से मिलकर झारखंड में ऑक्सीजन की भारी कमी और अभाव को लेकर लंबी चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है, बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग आनन फानन में अस्पताल तो पहुँच रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत होती जा रही है। कोरोना के मरीज को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सबसे अहम है। करीब 55% कोरोना के मरीजों में फेफड़े काम नहीं करने की शिकायत है और उन्हें सांस लेने के लिए मदद की जरूरत पड़ती है। विधायक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात किया और कंपनी के मालिक से बात कर सुनिश्चित किया कि झारखंड के संथाल परगना में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। खबर है झारखंड के गोड्डा से। संक्रमितों के उपचार के लिए बनेगा आधुनिक अस्पताल। पोड़ेहाट विधायक प्रदीप यादव शनिवार को गोड्डा DC भोर सिंह यादव और शिविर सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा से मिले और कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिले में की जा रही स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने DC और शिविर सर्जन के साथ विचार विमर्श के बाद विधायक निधि से तत्काल 25 लाख रुपये देने की बात की। इस राशि से पोड़ेहाट अस्पताल में अत्याधुनिक उपकरणों की कमी पूरी की जाएगी। विधायक ने कहा कि पोड़ेहाट में बन रहे नए अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 30 बेड की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन पाइपलाइन, कार्डियोमीटर,
पुल्मोनरी मॉनिटर, वेंटिलेटर एवं अन्य आपातकालीन चिकित्सीय उपकरणों से पूरी तरह लैस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गोड्डा में स्थापित होगा आरटीपीसीआर लैब, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हामी भर दी है। इस दौरान पथरगवा में भी कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं रहने पर विधायक ने पथरगवा में भी फौरन कोरोना जांच केंद्र खोलने का आग्रह किया, जिसे सिविल सर्जन से तत्काल कार्य रूप देने का भी वादा कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।